हाँ जी, इस स्टेबलाइजर में एक फॉल्ट दिखाता हूँ अभी। देखिए ये बहुत काम आएगा आपको, ये सप्लाई लगाए। देखिए ये जो है यहाँ पे बहुत तेज रिले कंपन हो रहा है, ठीक है। अब ये रिले बहुत तेज वाइब्रेट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखें जैसे ये सप्लाई आई और यहाँ पर रेड जल रहा है। अब इसके बाद इसका जो डिले वाला लाइन है, इसे हम यहाँ से ऑन करते हैं। देखिए कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं फॉल्ट क्या है, एक मिनट। इसकी जो सप्लाई है फीडबैक वाली, ये यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये 15 यानी 15.32। तो यहाँ पे इसका जो 4 नंबर पिन है, 1 2 3 4, 4 पे 6.2 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ से इस जगह पे हम चेक करते हैं, ये देखिए 2.9, ठीक है, 3 वोल्ट से कम है। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट है, उसे हम चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है, कैपेसिटर, हम ऐसे ऊपर से ही लगाते हैं। एक ये कैपेसिटर है 47 MFT 25 वोल्ट, यानी 47 MFT 25 वोल्ट का है। तो इसको ऐसे ऊपर से ही पहले लगा कर दिखाते हैं। ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव प्लस। ये बहुत काम करेगा ये फॉल्ट। अब हम इसे सप्लाई देते हैं, ये देखिए वाइब्रेशन जो कंपन था वो बंद हो गया। अब यहाँ से हम इसके डिले लाइन को डायरेक्ट ऑन करते हैं, ये देखिए सप्लाई यहाँ पे आ गई। और अगर इसका आउटपुट सप्लाई देखना है तो यहाँ पे इस सॉकेट में यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं, ये 229 वोल्ट 50 हर्ट्स। अब यहाँ पे हम इसका वोल्टेज नोट करा देते हैं, एक मिनट। इस कंडीशन में देखिए ये है इसका नेगेटिव सप्लाई और ये है पॉजिटिव, मल्टीमीटर पर ध्यान दें, ठीक है। अब पिन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसे ध्यान देखें। ये पिन नंबर 1 पे, पिन नंबर 1 पे 3.4 वोल्ट, पिन नंबर 2 पे 2.2 वोल्ट, पिन नंबर 3 पे 2 वोल्ट और पिन नंबर 4 पे 6.3 वोल्ट, पिन नंबर 5 पे 2.8 वोल्ट, पिन नंबर 6 पे 2 वोल्ट, पिन नंबर 7 पे 5.1 वोल्ट और पिन नंबर 8 यानी 8 पे 4.9 वोल्ट यानी 5.1 वोल्ट। अब ये 9 नंबर पे 1.3 वोल्ट, फिर 10 यानी 10 नंबर पिन पे 2 वोल्ट, फिर ये और 11, ये 7 8 9 10 यानी 10 नंबर पे 2 वोल्ट, फिर 11 नंबर पे देखिए कंटिन्यूटी बताने लगा, यानी ग्राउंड है ये। अब 12 नंबर पिन पे 5 वोल्ट,
फिर 13 नंबर पिन पे 3.4 वोल्ट, फिर 14 नंबर पिन पे 5 वोल्ट, ठीक है। और ये कैपेसिटर जो फॉल्ट था यहाँ पे, इसका अगर देखेंगे तो ये जो है 2.9 वोल्ट शो हो रहा है, यानी 3 वोल्ट होना चाहिए यहाँ पे। अभी पहला रिले ऑन है यहाँ पे, तो रिले ऑन कंडीशन में हम नेगेटिव का प्रॉब यहाँ पर लगाते हैं और एक मिनट इस कैपेसिटर को हम अंदर से लगा देते हैं। तो फिर इधर नेगेटिव कर लेंगे और इधर साइड में पॉजिटिव, और ऐसे पकड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे दिख जाएगा ये जो ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर रिले का, तो रिले का ड्राइवर ट्रांजिस्टर यहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों का दिखाते हैं। ये 4 मिनट लगेगा, 3 मिनट ऑन होने में, तो यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो गई सप्लाई, आईसी के वोल्टेज हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे हम दिखाते हैं ये जो है, ये पहला रिले है यहाँ पे, इसका जो है ये, यानी ये आउटपुट रिले है। आउटपुट रिले का ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 1.4 वोल्ट। इसके बेस पे देखेंगे तो बेस पे ये 0.77 वोल्ट, ठीक है। और ये मीटर ग्राउंड होता ही है ये। अब दूसरा, ये रिले ऑफ है, तो इस कंडीशन में इसके कलेक्टर पे अगर वोल्टेज देखेंगे तो 17.7, और बेस पे अगर देखेंगे तो 4.7 वोल्ट, ठीक है। यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए ये नेगेटिव सप्लाई होना चाहिए, तो ये ऑन होगा, ठीक है। और इस पे कामन के रूप में सप्लाई पहले से रहती है। एक ट्रांजिस्टर और लगा है जो कि इसका बेस अगर देखेंगे तो ये 15.2, यानी ये 15 वोल्ट का जीनर है यहाँ पे, और बीच में कलेक्टर पर देखेंगे तो 17.79, और यहाँ एमीटर पर अगर देखेंगे तो 14.7। ये रिले से कनेक्ट है, ठीक है। ये पोल है, फिर ये रिले, यानी एक रिले का ये है आउटपुट रिले, इनपुट ये है। अभी हम डायग्राम में दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम था कैसे, क्यों। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों डायोड और ये दोनों डायोड, बीच में ये जो कैपेसिटर लगा है यही फॉल्ट था, फॉल्ट हाई वाइब्रेट, हाई वाइब्रेशन, ठीक है। यानी बहुत तेज से रिले का कंपन, रिले बहुत तेज से कंपन करना। अब ये जो है ऐसे, इसको ब्रिज बना लीजिए, जैसे ये ऐसे हो गया, तो ऐसे यहाँ पे एक और है,
ऐसे। अब ये वाला पोजीशन ऐसे हो गया, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे लग गया 220 के। फिर ये हो गया ऐसे, ये लग गया 220 के। ये मान लीजिए न्यूट्रल हो गया, ये हो गया फेज, ठीक है। इसे EL भी कह सकते हैं इनपुट। अभी इसको ऐसे मिल जाना है ऐसे। अभी हमारा ब्रिज तैयार हो गया कैसे, ऐसे। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। यहाँ पे 3 वोल्ट होना चाहिए। कभी कभी ये जो है वोल्टेज 3 वोल्ट दिखाएगा लेकिन वाइब्रेट करेगा, तो ये चेंज करके ही इसे यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन होता है इसी से होता है। तो इसी तरीके से ये चेक किया जाता है। और ये है इसका 324, ये लिए 324, ये नंबर एक। अब ये जो हमने बनाया है, ये अगर देखेंगे तो ये दूर दूर बना हुआ है, और सर्किट पीसीबी में भी दूर दूर बना हुआ है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्किट हैं, उसे इजी बनाने के लिए हम पहले ऐसे सर्किट की डिज़ाइन करते हैं, फिर उसे इजी अपने तरीके से करते हैं, तब जाके आप लोगों को बहुत ईजी लगता है। क्योंकि अब जो भी सर्किट आपको मिलेगा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बने मिलेगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है रोबो के द्वारा डिज़ाइन हो रही है, रिपेयरिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और इजी भी हो जाएगी, यानी जानने के लिए इजी है और जो नहीं जानते उनके लिए टिपिकल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है इसकी IC को बदल कर देखा था, जो कि थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि शुरू शुरू में इसमें जो प्रॉब्लम आया था, इसकी जो रेजिस्टेंस बर्न हो गई थी, जो सप्लाई 324 को दी जाती है, पिन नंबर 4 पे प्लस वाली सप्लाई जो 6.2 वोल्ट दिया जाता है, तो उसको डाउट के उसमें मैंने जो है IC को चेंज किया। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर हमने जो है ये बोल्ट को ट्रेस करते हुए यहाँ से इस फॉल्ट को निकाला था, जो भी आपको दिखाया है आगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।